हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने वाली हूँ लंच इनके लिए। तो मैंने आलू रख दिए उबलने के लिए और मटर जो है साफ करके कर ले लिए हैं और आलू भी उबल गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो है मेरा आटा भी गूंद गया है, आटा लगा लिया है मैंने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लंच। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ आइसक्रीम। तो ये देखिए, ये मैंने आइसक्रीम बनाई थी कस्टर्ड पाउडर की। तो मैं लेके जाने वाली इसको बाहर और इनको बोलने वाली हूँ कि थोड़ी टेस्ट करके बताए कि कैसी बनी है, अच्छी लग रही है नहीं। तो देखते हैं कैसी बनी है ये आइसक्रीम और मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए, आइसक्रीम खिलाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए इनके लिए लंच। तो बोल रहे थे कि आइसक्रीम का अच्छी बनी है और मैंने रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की। मैंने कहा था अगर अच्छी बनेगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं इनके लिए लंच बना रही हूँ, यहाँ पर चपातियाँ बना रही हूँ मैं। और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन ना हमारे घर में सब सिंपल सिंपल सा खाना बनता है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करते हम। जैसे कि आपको पता है कांदा टमाटर लहसुन ये सब ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं चपाती बना रही हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया है तेल और इसमें ऐड किया है राई और जीरा। यहाँ पर जो है मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और जो हमारे सारे गरम मसाले होते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ये सारे मसाले ऐड किए हैं और इसको अच्छे से चला लिया है, मसाले में भून लिया है। फिर उसके बाद में मैंने हरे मटर ऐड कर दिए हैं और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने पानी और नमक ऐड किया है और अब मैं ऐड करूँगी कस्तूरी मेथी। और एक बात बताऊँ, जब हम फ्राइडे को बनाते हैं ना कुछ भी ऐसा सिंपल सा खाना बनाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी बन जाता है। और ये भाजी भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए भाजी बनकर तैयार है। चलिए नाश्ता बना लेते हैं जल्दी से गर्मा गर्म। और आज ना मैं उपमा बना रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैं कभी भी उपमा नहीं बनाती हूँ क्योंकि ना इनको उपमा बिल्कुल नहीं पसंद और काव्या को भी नहीं पसंद। लेकिन इस बार जब हम लोगों ने राशन भराया था ना, तब ये लोग ना पता नहीं कैसे गलती से शायद हो गया, काव्या ने रख दिया होगा, तो रवा का एक पैकेट आ गया है तो इसलिए मैंने बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा राई पहले ऐड कर दिया था, फिर गाजर और हरी मटर को भी तेल में भून लिया, उसके बाद मैंने रवा ऐड कर लिया है। तो इन सबको अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद में मैं पानी ऐड करूंगी और नमक ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ उपमा। तो मैंने कहा चलो ये रवा रखे ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं आज उपमा बना लूँ। तो सिर्फ ये मुझको अकेले को खाना पड़ा क्योंकि इनको नहीं पसंद, काव्या को भी नहीं पसंद, पता नहीं इनको क्यों नहीं पसंद। इसलिए मैं कभी भी ना रवा नहीं भराती हूँ जब राशन लेती हूँ। कभी कभार अगर मुझे लगता है तभी मैं लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ क्योंकि पता है ना रवा जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा उपमा जो है बनने के लिए एकदम रेडी है, बस थोड़ा सा और पकाना है इसको। तो उपमा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए करते हैं चाय नाश्ता और मिलती हूँ आप लोगों से चाय नाश्ता करने के बाद। तो आप लोग भी आ जाएगा हमारे साथ। तो ये नाश्ता वगैरह नहीं किया इन्होंने, सिर्फ चाय पी है। तो इन्होंने नहीं खाया क्योंकि उपमा बनाया ना और उपमा इनको नहीं पसंद। तो अभी ये जा रहे हैं ऑफिस और काव्या बोल रही है कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तो ये जा रहे हैं अभी ऑफिस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है फ्राइडे और अभी बजे सुबह के 10 और मैं और काव्या बैठे हैं। काव्या को आइसक्रीम चाहिए थी तो मैंने उसे आइसक्रीम दिया खाने के लिए, तो आइसक्रीम खा रही है और देखो सुबह सुबह आइसक्रीम खा रही है। फिर से सर्दी होगी ना तो फिर से बोलेगी कि मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है और जिद करके बैठी थी कि नहीं मुझे खानी है। और मैंने बनाई थी आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाई थी मैंने रात को बनाई थी और अभी थोड़ी सी बाकी है बनी, लेकिन काव्या जिद करती इसको चाहिए तो मैंने दे दी। और अभी जो है किचन के काम बाकी है करने, क्योंकि किचन में क्या क्या काम, बर्तन थोड़े से हो गए हैं तो वो साफ करने, किचन साफ करना है। आज थोड़ा सा लेट हो गया और ये अभी अभी गए हैं ऑफिस, तो मैंने कहा चलो मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। काव्या देख रही पेपा पिंक, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।
अभी मैं, आप लोग देख सकते हो मेरा घर सुबह के टाइम पूरा बिखरा पड़ा रहता है, होता है सबके घर में ऐसा होता है, और जब बच्चे घर में मस्ती शरारते चक्करते हैं ना तो पूरा घर ऐसे ही मिलता है बिखरा बिखरा सा। तो अभी जो है घर की साफ सफाई होगी और अच्छे से सब चीज़ें जगह पर जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर चादर वगैरह निकाली है, बेडशीट निकाली है क्योंकि अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, और कपड़े वगैरह जो यहाँ पे फैले पड़े थे ना उन सबकी घड़ी लगा दी है। तो अभी जो है मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, सुबह मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था, आज लेट हो गया है। कावे के खिलौने रखे हैं मैंने वहाँ पर ना, एक मैंने बॉक्स है बना के रखा है, मैंने खुद से बनाया है, तो मैंने उसमें सारे कावे के खिलौने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर कावे के कपड़े सुखाए थे मैंने सुबह धोकर, तो मैंने कहा कि देखूँ सूख गए तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि कावे के कपड़े हम घर से मतलब बाहर नहीं सुखाते हैं, घर में सुखाते हैं इसलिए। और अभी बज गया है, ये सारे काम करते करते 1 बज गया है, और अब मैं जा रही हूँ लंच करने कावे के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 2 बज गए हैं और मेरे सारे काम हो गए हैं, हम लोग ने लंच भी कर लिया है और काव्या सो गई है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ अपना फ्राइडे के रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो अभी मैं टीवी देख रही थी क्योंकि काव्या सो गई है और मेरे सारे काम भी हो गए हैं, बस थोड़े बहुत काम रह गए हैं। मैंने मशीन लगाई है ना, मशीन लगाई थी अभी, तो कपड़े सुखाने बाकी हैं। तो यहाँ तो नहीं सुखाऊंगी मैं, अंदर ही सुखाऊंगी सारे कपड़े, और कुछ कपड़े हैं जो मुझे घड़ी लगानी है। तो मैंने कहा चलो वो काम मैं शाम को करूँगी, अभी जो है मुझे क्या करना है पता है, थोड़ी सी ना साफ़ सफाई करनी है, तो साफ़ सफाई करूँगी घर की, फिर उसके बाद में मैं कपड़ों की घड़ी शाम को करूँगी, अभी नहीं। और कपड़े सुखाने के लिए डालने हैं, तो मैं जाने वाली हूँ अभी कपड़े सुखाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं ना दोपहर को सो गई थी, काव्य सो गई थी ना, तो फिर मुझे भी नींद आ गई उसको देखकर। तो फिर इसके बाद में मैं उठी शाम को 5:30 बजे उठी थी। तो फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर जो काम था ना मेरा बाकी रह गया था, कपड़े वगैरह सुखाना, कपड़े की घड़ी करना, वो सब किया। फिर उसके बाद में देखो ये अभी आ गए हैं, तो ये जो मैं लेकर आई थी ना रेडीमेड वाला फालूदा, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं, तो मैं बना रही थी। तो बाकी ना बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सिंपल वाला बनाते हैं, फिर कभी अच्छे से बनाएंगे। तो ये देखो मेरी घर की बनी हुई आइसक्रीम, तो यहाँ पर मैंने फालूदा बनाया है, तो ये देखिए, और सिंपल सा बनाया आज। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इनके लिए ये वाला बनाया था। फिर उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी, और ये काव्या को भूख लगी थी क्योंकि ना खाना नहीं बनाया था अभी तक, तो मैंने काव्या को दिया था बना कर। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ चपाती भाजी, मेथी की भाजी बना रही हूँ। और आज फ्राइडे है तो बड़ी सिंपल सिंपल सा खाना बनने वाला था, तो मैंने कहा चलो रेसिपी की क्या शेयर करूँ, एकदम सिंपल सा तो खाना बना रही हूँ मैं। मैंने कहा चलो कल आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर काव्या खेल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। अभी खाना वाना खा लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पर काव्या खेल रही है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।